अस्सलाम वालेकुम, मैं सना मलिक और आप देख रहे हैं सरगोधा न्यूज। 1899 में अंग्रेज ने जेहलम और खुशाब को नहरी पानी देने के लिए जलालपुर कैनाल तामीर करने का प्लान बनाया था, लेकिन ये प्लान अमली शक्ल इख्तियार ना कर सका। पाकिस्तान बनने के बाद भी इस तरफ खातिर खा काम सामने नहीं आया। फवाद चौधरी ने हुकूमत में आते ही इस बारे लॉबिंग शुरू की और वजीर आजम की तवज्जो भी मबजूल कराई। बिला आखिर 26 दिसंबर 2019 को इस गेम चेंजर मंसूबे पर काम का आगाज हुआ, जो दिसंबर 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। 116 किलोमीटर तवील इस नहर से 240 किलोमीटर के खाले भी निकाले जाएंगे। 50 अरब लागत की ये एक नहर 1,78,000 एकड़ पोटोहारी इलाके को सैराब करेगी। 80 देहात मुस्तफीद होंगे, जबकि 40 देहात में पीने के साफ पानी के लिए प्लांट्स लगाए जाएंगे। खाले सैलाबी पानी को दरिया जेहलम तक ले जाने में भी मददगार साबित होंगे। अगर फी एकड़ सालाना 1,00,000 रुपए भी आमदनी में इजाफा हो तो लागत 3 साल में पूरी हो जाएगी। रिपोर्ट फैसल शाह फ्रॉम सरगोधा।